हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी रेसिपी जिसे आप चाहे तो ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लंच बॉक्स में या आप इसे इवनिंग स्नैक्स में भी बना सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में बनता है, टेस्टी तो है ही, साथ ही हेल्दी भी बहुत होता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये बन रहा है ब्रेड पिज्जा रोल। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्वीट कॉर्न 1/4 कप, कटे हुए कैप्सिकम 1/4 कप, कटे हुए कैबिज 1/4 कप, कटे हुए यहाँ पे कैरेट भी लिया है 1/4 कप, और अनियन भी लिया है मैंने आधा कप, और चॉप किया हुआ टमाटो भी 1/4 कप। उसके बाद यहाँ पे पनीर लिया है 1/2 कप, इसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। मोजरेला चीज भी लिया है मैंने 1/2 कप, और उसके बाद मसालों में डालेंगे पिज्जा सीजनिंग, मिक्स हर्ब 1 चम्मच, ऑरिगेनो भी डाला है मैंने, साथ ही चिली फ्लेक्स डालेंगे, यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा डाला है, आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद पिज्जा सॉस डालेंगे 2 बड़े चम्मच, और इसे नमक डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग देख कर ही डालें, क्योंकि यहाँ पे सॉस है उसमें भी नमक पड़ा हुआ है और चीज़ में भी सॉल्ट होता है, तो यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग ही नमक डालें और अच्छे से इन सब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप इसमें चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जी ऐड कर सकते हैं, और जो भी सब्जी आपको पसंद नहीं है आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सब्जियां हैं आप जितना चाहे डालकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं, क्योंकि ये जो रेसिपी है उन्हें बहुत पसंद आती है। मेरे बच्चों को भी वैसे वेजेस खाना पसंद नहीं, लेकिन इस तरह से मैं बना कर देती हूँ तो वो सारी के सारे वेजेस खा जाते हैं। तो ये जो रेसिपी है ना, इससे आप अपने बच्चों को वेजिटेबल्स खिला सकते हैं। बस इसमें चीज़, पनीर और जो पिज्ज़ा का फ्लेवर डाला है इससे ही उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसे रख देंगे साइड में। यहाँ मैंने कुछ ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं, आप चाहे तो नॉर्मल व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, मैंने होल व्हीट लिया है क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा हेल्दी वर्जन बना रही हूँ। तो इसके साइड जो है वो निकाल देंगे, ब्राउन पार्ट्स कट करके निकाल देंगे और इसे इस तरह से रोल कर लेंगे, एकदम फ्लैट हो जाएगा रोल करते ही, बहुत इजीली ये हो जाता है। और देखिए, अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे पिज्जा सॉस, यहाँ पे 1 चम्मच लिया है, अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं, पिज्जा या पास्ता सॉस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो मिक्सर हमने बनाया है ना, 1 बड़ा चम्मच इस तरह से रखेंगे और इस तरह से ब्रेड को हम रोल कर देंगे। ये देखिए, बहुत ईजिली ये रोल हो जाता है और बस ये बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप इसे रोल कर देंगे, अच्छे से ये चिपक जाता है, कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। मैं एक और करके दिखाती हूँ। तो ब्रेड की स्लाइस लेंगे और उसके जो पार्ट्स हैं साइड्स के, इस तरह से कट करके अलग कर देंगे और उसके बाद इसे हम रोल कर लेंगे, अच्छे से एकदम फ्लैट कर लेंगे और बहुत इजीली ये फ्लैट हो जाता है। और उसके बाद जब इस पे हम मिक्सर रख के और इसे रोल करते हैं तो बहुत इजीली रोल होकर और चिपक जाता है, कुछ भी एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए, इस तरह से रोल कर लेना है आपको, एकदम फ्लैट कर लेना है और उसके बाद इस पे सॉस लगाएंगे, पिज्ज़ा सॉस, अच्छे से इसे स्प्रेड करेंगे। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच हम मिक्सर लेंगे और मिक्सर को इस तरह से रख कर अच्छे से इसे रोल कर देंगे। बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत इजी और फटाफट से ये हो जाता है। तो ये देखिए, बस इस तरह से रोल करेंगे और सॉस की वजह से ये काफ़ी अच्छे से चिपक जाता है। यहाँ पर सारे रोल मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं और अब इसे एकदम हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एयर फ्रायर। तो यहाँ इकोबिक पेपर में लगा रही हूँ, जिससे हमारा जो एयर फ्रायर का ट्रे है वो गंदा भी नहीं होगा और अच्छे से हमारा एयर फ्रायर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रोल्स को इस तरह से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रख दिया है और ये इसमें कुछ भी स्लरी वगैरह नहीं लगाते हैं, बहुत इजीली सॉस की वजह से ही एक अच्छा सा रोल बन जाता है। तो बस इसमें जितना आएगा एक बार में उतना ही रखेंगे और हल्के सा ऑयल लगाएंगे, ब्रश के हेल्प से बहुत ही हल्का सा लगाएंगे, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और क्रंची बनेगा। तो बस इसे हम यहाँ पे 185 डिग्री पे इसे 12 मिनट के लिए सेट कर देंगे, बहुत अच्छे से ये क्रंची सा सेक कर रेडी हो जाता है। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ पैन पे बनाना, तो मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, हल्का सा ऑयल डाला है और बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है आपको, क्योंकि एकदम हेल्दी बनाना है, बहुत ही अच्छा होता है, विदाउट ऑयल भी आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही क्रंची और कुरकुरा बनता है। मैंने हल्के से ब्रश से ऑयल लगा दिया है, जिससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छे से ये सिक भी जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपको 1-2 चम्मच तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्के से ब्रश से आपको ऑयलिंग कर देना है और इस तरह से रोल कर करके चारों साइड अच्छे से इसे सेक लेना है, एकदम क्रिस्पी सा बनकर ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे तो एक एक साइड अच्छे से सिक जाएगा। तो यहाँ पे जो पैन है ना, इस पे भी फटाफट से भी बन जाता है। तो इस तरह से सारे साइड अच्छे से सिक जाए तब तक हमें इसे सेकना है और मीडियम रखना है फ्लेम, बहुत हाई फ्लेम रखेंगे तो जल जाएगा और लो फ्लेम रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मीडियम फ्लेम पे आपको इस तरह से चारों साइड इसका सेक लेना है। और अब ये रोल बनकर रेडी है, तो इस तरह से मैं इसे प्लेट पे निकाल ले रही हूँ और अब हम देखते हैं एयर फ्रायर वाला भी हमारा बनकर रेडी है।
तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी सा सिक गया है, बहुत अच्छा बनकर रेडी हुआ है। इनफैक्ट जो हमने पैन पे बनाया है उससे भी कहीं ज़्यादा क्रंची हमारा एयर फ्रायर वाला बना है। तो ये देखिए, ये एयर फ्रायर वाला है, ये कितना क्रंची बना, एकदम कुरकुरा सा बनकर रेडी हुआ है। और ये जो हमने पैन में बनाया है ये भी बहुत ही क्रंची बना है, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ही हमारी जो ब्रेड रोल है ना वो बनकर रेडी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और इस तरह के नए वीडियोस आपको मिलते रहे इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। पिज्ज़ा ब्रेड रोल को आप सॉस के साथ, चटनी के साथ या ऐसी चाय के साथ भी इसे खा सकते हैं। मिलते हैं एक और नए रेसिपी के साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर।